नमस्कार दोस्तों, हम राहुल राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बीएस चैनल। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले फ्रेंड्स कि श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च इन मैथमेटिक्स 2022 का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। आप लोग किस तरह से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे पूरी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए। मैं आप लोग को लाइव प्रूफ में 100% इसमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए किस तरह से डाउनलोड करेंगे बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना, अपना गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको टाइप करना है bcst.org.in। ओके, तो इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। डायरेक्ट वहां से क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर इन कर जाएंगे। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपके सामने देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा लिंक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। ओके फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देंगे नोट यहाँ पे दिया गया। ओके, नोट में थोड़ा वहां जूम कर ले रहा हूँ, यहाँ पे देख नोट में दिया हुआ मॉक टेस्ट लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम टुडे 9 दिसंबर 2022 फ्रॉम 2 PM। एनवर्ड एडमिट कार्ड ऑन ऑफ क्लास 9 to 12 विल बी अवेलेबल फ्रॉम 2 PM। तो यहाँ पे बताया 2 बजे से लेके आप लोग का जो है सो मॉक टेस्ट, जो कि ऑनलाइन यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप लोग किस तरह से एग्जाम देंगे वो, और 2 बजे से आप लोग का जैसे कि एडमिट कार्ड जो है 9th से 12वीं कक्षा के जो स्टूडेंट है यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं 2 बजे। अभी जो है क्लास 6 से 8 तक का जो स्टूडेंट है वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे नोट में आप लोग को बता दिया कि यहाँ पे मॉक टेस्ट जो है आज से शुरू हो चुका है, 2 बजे से आप लोग का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, मतलब मॉक टेस्ट आप चेक कर सकते हैं किस तरह से। मॉक टेस्ट का मतलब यही हुआ कि आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन किस माध्यम से होगा, किस तरह से होगा। ओके, वो चेक कर सकते हैं। और क्लास 9 से 12 तक का जो भी बच्चे हैं उसका 2 बजे से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, और क्लास 6 से 8 तक जो भी बच्चे हैं उसका अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। मैं आप लोग को लाइव प्रूफ में डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है लिंक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करना। चलिए मैं इस पर क्लिक किया, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखेंगे फ्रेंड्स इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से, उसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं फ्रेंड्स लिखा हुआ श्रीनिवास रामानुजन सर्च इन मैथमेटिक्स मॉक टेस्ट लिंक अवेलेबल टू फ्रॉम टुडे 9 दिसंबर 2022 2 PM एनवर्ड। तो यहाँ पे कि मॉक टेस्ट का लिंक जो है आपका आज जो है 2 बजे से अवेलेबल हो जाएगा, और क्लास 9 से 12 तक का जो बच्चे उसका एडमिट कार्ड भी 2 बजे से अवेलेबल होगा। अभी जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है वो क्लास 6 से 8 तक का बच्चे का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, मैं आप लोग को डाउनलोड करके बता दे रहा हूँ। ओके, तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप करना है, और उसके बाद रिमेंबर पे टिक कर देना। तो चलिए मैं यहाँ पे ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ईमेल आईडी और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दिया, उसके बाद रिमेंबर टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका एडमिट कार्ड देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे प्रीव्यू हो गया। उसके बाद चले नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नाम सारा चीज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आएंगे, उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते एग्जाम डेट जो कि 10/12/2022 को एग्जाम होगा। एग्जाम टाइमिंग देख सकते फ्रेंड्स 10 बजे से। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट यानी मैथ से एग्जाम लिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद एग्जाम सेंटर यहाँ पे एड्रेस देख सकते फ्रेंड्स दिखा गया है कि कौन से सेंटर पे आपका एग्जाम होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे सारा एड्रेस अवेलेबल है। ओके, तो ये जो सेंटर है इस सेंटर पे बच्चे को लेके जाना है 10 बजे से पहले 10 तारीख को। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स नीचे आएंगे, वहाँ पे आपको बच्चे का जो डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है बच्चे का वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे आपका एग्जाम होगा, वो भी ऑनलाइन एग्जाम होगा। और कंप्यूटर बेसिक परीक्षा के दौरान अपने कंप्यूटर पर दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो इस तरह से जो है आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके और सारा चीज देख सकते हैं कि कब एग्जाम है आपका और कितने टाइम से है और यहाँ पे सेंटर कहाँ पे पड़ा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों फैमिली में शेयर करें ताकि जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।